हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑनेस्ट सेक्रेशन। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट रिगार्डिंग कुछ बात करेंगे और रिपोर्ट कहां से मिलेगा आप लोगों को वो भी इस वीडियो के अंदर ही दिखा देंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, सेफ्टी चेकलिस्ट करना है, BSC बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट। इस टास्क में आप लोगों को क्या क्या करना है, कंज्यूमर के घर जाना है और किचन में जाकर किचन का जो रसोई घर का स्थिति है वो चेक करना है, होस पाइप, रेगुलेटर, सिलेंडर सब कुछ चेकिंग करना है। ओके, उसी के साथ साथ अगर किसी का होस पाइप चेंज करने का है तो उसको चेंज भी आप कर सकते हैं। अगर आप एप्स के अंदर होस पाइप चेंज कर देंगे तो वहां पे एक ऑप्शन है होस पाइप इज चेंज किया है नहीं, अगर चेंज करेंगे तो यस टैप करना है आप लोगों को। यस सिलेक्ट करने के बाद जो होस पाइप है उसका मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग देना है और ईयर एंड मंथ भी डालना है। वो अगर आप वहां पे डालेंगे और ओटीपी देकर सबमिट करेंगे तो SDMS में वो डाटा अपडेट हो जाता है। ठीक है, 8 पॉइंट टोटल है वो आपको फिल करना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कंज्यूमर के घर के अंदर ही ये करना है। कंज्यूमर का जो लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन वहां पे ही करना है, क्योंकि उसका जो लैट लॉन्ग है यानी कि जो GPS वहां पे कैच कर लेते हैं, GPS भी जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है उनको भी कैप्चर करते हैं सेफ्टी बेसिक चेकलिस्ट करने के टाइम। ओके, तो आइए दोस्तों, मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाता हूं कैसे बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट का रिपोर्ट निकालते हैं। और दोस्तों, और एक बात है आप लोगों को, ये सेफ्टी चेकलिस्ट करने के लिए कंपनी ने एक स्कीम रखा है, डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ पैसा देगा, लेकिन वो आपको कहां कैसे मिलेगा इस तरह का बहुत सारा कमेंट आया था मेरे वीडियो पे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको पैसा लेना है तो जो स्कीम है, कहीं पे डिलीवरी बॉय को मान लीजिए 40 रुपीज देना है और डिस्ट्रीब्यूटर 10 रुपीज रख सकते हैं, कहीं पे 20-30 जो स्कीम है हर डिस्ट्रीब्यूटर का सेम ही होना चाहिए, लेकिन एरिया ऑफिस के हिसाब से कुछ अलग अलग भी हो सकता है, मेरे को पता नहीं है। तो जो भी आपको डिलीवरी बॉय को देने के लिए कहेगा फील्ड ऑफिसर और एरिया ऑफिस से, वो पहले आपको डिलीवरी बॉय का जो अकाउंट है उसमें पेमेंट करना होगा। गूगल पे फोन पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन उनका जो ट्रांजेक्शन डिटेल्स है, मान लीजिए फोन पे और गूगल पे से आप अगर पेमेंट करेंगे तो पेमेंट हिस्ट्री आपको निकालना होगा, वहां पे ट्रांजेक्शन नंबर UTR नंबर मिल जाता है, वो भी आपको मेंशन करना होगा और एक बिल बना के आपको फील्ड ऑफिसर को भेज देना है। वो आपका पेमेंट महीने में दे देंगे और देने के बाद आपके जो अकाउंट्स है, जो पैड है अकाउंट जहां पे लोड का टाका मानी जमा होते हैं, वहां पे आपका जो ई लेजर है वहां पे आपका मानी ऐड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर को पेमेंट डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर देना है। तो चलिए कैसे BSC का रिपोर्ट निकालते हैं कि कितना हुआ है, कब कितना हुआ है, डिटेल में इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट का रिपोर्ट निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। इधर देख सकते हो BI रिपोर्ट करके मैं एक शॉर्टकट में जो लिंक है उनको सेव करके रखा हूँ, लेकिन आप लोगों का क्या करना, reports.px.indianoil.in ये जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट पर चले जाना है, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस दिखने के लिए मिल जाएगा। सीधा आपको क्या करना है, डैशबोर्ड ऑप्शन पर आपको माउस को कर्सर को ले जाना है। यहाँ पे देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट्स पर एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट्स पर। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे, आपको पहले ये ऑप्शन नहीं था लेकिन अभी कंपनी की तरफ से दिया गया है कि बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट का भी रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं, वो भी कंज्यूमर वाइज और डेट वाइज। ओके, तो चलिए, मेरे यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इस राइट साइड देख सकते हो एक एरो बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे बिल्कुल एकदम नीचे देख सकते हो BSC रिपोर्ट, बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट रिपोर्ट बोल के एक ऑप्शन है, बस इस BSC पर आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट आपका निकल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे मंथ वाइज निकल सकते हैं और डेट वाइज भी निकल सकते हैं, वो आज दिखाऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए
और दोस्तों किसी का कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप में वो उस ग्रुप में बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐड हो जाते हैं, लेकिन ऐड होने के बाद वो मेरा मोबाइल नंबर लेकर बार बार कॉल करता है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि सबका कॉल अटेंड कर सके। ठीक है, तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत कमेंट का रिप्लाई दे देंगे। ओके, तो देख सकते हो इधर रिपोर्ट निकल चुका है। अभी जो करंट महीना है अप्रैल 2024, इसी का रिपोर्ट है। तो कितना हुआ है नंबर ऑफ बीएससी डन, टोटल 11 हुआ है। और बीएससी डिलीवरी होस्ट रिप्लेस कितना हुआ, बीएससी होने का टाइम 6 हुआ है। ओके, तो ये तो हो गया काउंट। तो आपको कंज्यूमर वाइज कहाँ मिलेगा, कंज्यूमर वाइज आपको रिपोर्ट निकालने के लिए इधर देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटर कोड, ये ब्लू हाइलाइटेड है जो अपना स्वैप कोड है, इस पर आपको टैप करना है। एक बार आप क्लिक करेंगे तो डिटेल्ड रिपोर्ट बोल के एक ऑप्शन दिखेगा इधर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा देर घूमेगा, घूमने के बाद आपको एक नया पेज में रिडायरेक्ट होकर चला जाएगा ये ऑप्शन। देखिए अब देखते रहिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरा यहाँ पे इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। गाइस देख सकते हो एक नया पेज रिडायरेक्ट होकर ओपन हो रहा है। तो इसी पेज के अंदर आपको कंज्यूमर वाइज डाटा मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ इधर सर्चिंग हो रहा है। आप अगर कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करना है। देखिए मैं कैंसिल नहीं करूंगा, मैं रिपोर्ट को देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। तो देखिए इधर ब्राउजिंग हो रहा है, रिपोर्ट को सर्चिंग कर रहा है। तो सर्चिंग होने तक टाइम लगेगा, आप लोग वेट कीजिए। बस देख सकते हो कंज्यूमर वाइज डाटा भी आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेसिक्स बीएससी डेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इधर 4 तारीख को कुछ हुआ था, 10 तारीख, 15 तारीख, 18 तारीख। हम लोगों ने अभी तक इतना ज्यादा स्टार्टिंग नहीं किया है, लेकिन हमारा जो मैकेनिक है वो मैकेनिक काल के डेट में यानी कि 18 तारीख 4 बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट किया था। ओके, तो आपको इधर ये जो डाटा है, इस डाटा को आप अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको इधर एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, और आप एक्सेल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आया है, और जिन लोगों का बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट का रिपोर्ट निकालना था वो अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो उन लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये जो देख सकते हो इधर आपको इस ये जो इंटरफेस दिख रहे हो ना, ये रिपोर्ट सब लोग निकल सकते हैं, लेकिन डिटेल रिपोर्ट निकालना सभी को आता नहीं है, इसीलिए मैंने दिखा दिया। और आप अगर चाहें तो एसडीएमएस में भी चेक कर सकते हैं, जो मैंने बताया था लॉट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड यानी कि कंज्यूमर का जो एड्रेस है वो एड्रेस भी इधर आपको दिखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आपको एसडीएमएस में चले जाना है। जाने के बाद दोस्तों सेल्स ऑर्डर ऑप्शन पर क्लिक करना है, अदरवाइज आप रिलेशनशिप ऑप्शन पर टैप करके भी देख सकते हैं। तो इधर जो आईडी को मैंने कॉपी किया है उस आईडी को इधर पेस्ट कर देते हैं, जो बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट हो गया है। और इधर रिलेशनशिप आईडी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जहां ऑर्डर का जो टैब है उसी के साइड एक एरो बटन मिलेगा राइट साइड, इधर आपको कस्टमर फीडबैक ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, जैसे आप कस्टमर फीडबैक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो इधर देख सकते हो बेसिक एपिक बेसिक एलपीजी सेफ्टी चेकलिस्ट बोल के एक फीडबैक दिया गया है। तो इधर आपको जो ऑप्शन जो 8 ऑप्शन है वो आपको फिल करना है, वो इधर मिल जाएगा। देखिए इस कस्टमर एवर 1906, इधर आपको यस 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 नो जो भी आप करेंगे इधर आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ 9 ऑप्शन पर और 10 ऑप्शन पर आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको मिल जाएगा। देख सकते हो इधर लैटिट्यूड इधर लॉन्गिट्यूड। और एक बात है, आप ये इंस्पेक्शन सेफ्टी चेकलिस्ट जो है आपको सही से करना है, कुछ गलत मत कीजिए, क्योंकि ये कंज्यूमर का जो एड्रेस है यहाँ पे दिखता है। और फील्ड ऑफिसर के लिए भी ये टास्क दिया गया है, एक फील्ड ऑफिसर एक एक डिस्ट्रीब्यूटर का 10-10 करके बेसिक सेफ्टी चेकलिस्ट करेंगे। वो डिस्ट्रीब्यूटर को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसी जो एड्रेस का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है इसको कैप्चर करके गूगल मैप पे डालेंगे, तो कंज्यूमर का जो लोकेशन है वहां पे चला जाएगा। और आप कंज्यूमर के घर के अलावा
कहीं पे भी कर दिया तो फील्ड ऑफिसर डायरेक्ट वहां पे चला जाएगा। और एक बात, कंपनी ने एक रैंडम कॉल कर रहा है, कंपनी का बहुत ही एम्प्लॉय नियोग किया है और उन लोगों ने कॉल कर रहा है कि सेफ्टी चेकलिस्ट हुआ कि नहीं हुआ और कुछ पैसा लिया कि नहीं लिया, ठीक है, इसके रिगार्डिंग कॉल कर रहा है। तो सभी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरे कहना है कि आप कुछ गलत मत कीजिए, जो कंपनी का एसओपी है, प्रोसीज्योर है, उसी के हिसाब से कीजिए। ओके, तो वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और दोस्तों जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं जरूर आपका जो क्वेश्चन है उनका आंसर दे दूंगा अगर मेरे को पता है तो, अगर नहीं पता है वो भी लिख दूंगा, ठीक है। और अगर जरूरत पड़ेगा तो आपका कमेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, अलविदा।